नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने बताया है पैरालिसिस पेशेंट की रिकवरी के बारे में। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये पैरालिसिस के पेशेंट हैं और इनका एक साल से पैरालिसिस में है। एक साल पहले हमारे साथ जुड़े थे ये और इनको हम लोगों ने एक्सरसाइजेस करवाई थी। 2 महीने स्टार्टिंग में एक्सरसाइजेस करवाई, उसके बाद हमने खुद से एक्सरसाइज करने को कहा इनको और अब खुद से करके आज ये इस स्टेज में पहुंच चुके हैं। फ्रेंड्स, अब ये अपना हाथ खुद से ऊपर उठा लेते हैं, उंगलियां मोड़ लेते हैं, खोल देते हैं, हाथ ऊपर कर लेते हैं, सारे काम अपना खुद से कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये पिछले 6 महीने से अब खुद से एक्सरसाइज कर रहे हैं और हमारा कोई भी अब रोल नहीं है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, कई पेशेंट्स हम लोगों को बोलते हैं कि उंगलियों को खोलना है और बंद करना है, ये नहीं हो पाता है। अभी आप देख सकते हैं इनकी रिकवरी, पूरा पूरा 1 साल हो गया है और 1 साल में क्या रिकवरी हो गई है आप देख सकते हैं। मोड़िए, कोहनी बंद करिए, फिर सीधा करिए, फिर मोड़िए, फिर सीधा करिए, और दूसरा वाला, हाँ ये वाला हाथ तो बिल्कुल सही है, वो वाला हाथ, उंगलियां खोलिए, हाँ फिर बंद करिए, छोड़ दीजिए, ऐसा करिए, ये ठीक है। ऊपर उठाइए हाथ को, ये हाथ भी देखिए पूरा ऊपर उठ रहा है, नीचे करिए, ठीक है, थोड़ा सा चल के दिखाइए, ये पूरा ही रिकवर हो रहे हैं, पूरा मैं कह सकता हूँ ऑलमोस्ट 90% ठीक हो गए हैं। 10% थोड़ा सा जो हाथों में रह गया है हल्का सा, ये पावर और कुछ फाइन मोटर मूवमेंट्स ये थोड़े से रह गए, बाकी तो पूरे ठीक हो गए। बैठ जाइए, नीचे करिए, खोलिए मुट्ठी, खोलिए बंद करिए, ये और खोलिए बंद करिए, और जितनी ज्यादा करूंगा ना उतनी वो स्लो मूव होती है। सीधा करिए हाथ।